everyone, welcome back to my channel Flame Minds. I am Drushali Walia and today I am again back with a super interesting video. Hope you're gonna like it. Don't miss the video in between. And आज सब लोग सोच रहे होंगे कि क्या चीज लेके आई है, रोज तो नया नया कुछ लेके आती है, आज क्या आया है. सो आई गॉट द प्रोडक्ट्स बाय ग्लैमर्स. सी इनका पैकेजिंग काफी स्ट्रॉन्ग और काफी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा. नो डाउट काफी सॉलिड पैकेजिंग है. सो बिना टाइम वेस्ट किए ओपन करते हैं. नाइस. आई एम गोना शो द वन प्रोडक्ट. दिस इज बॉडी स्लश अगेन बाय ग्लैमर्स. ग्लैमर्स काफी अच्छी कंपनी है, काफी अच्छा ब्रांड है जो कि स्किन केयर एंड हेयर केयर के प्रोडक्ट्स में डील करता है. एंड बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो कि आपके फेस में ब्रेक डाउन होते हैं, ऑलमोस्ट आजकल सर्दियां चल रही है तो पक्का होते ही है, तो जो भी आपके स्किन में ब्रेक डाउन चल रहे हैं, पिम्पल्स हो रहे हैं, ठीक है, मोस्टली आपके स्किन को रेक्टिफाई एंड क्लैरिफाई करने के लिए ये यूज होता है. एंड इसको मैं यूज कर भी आपको दिखाऊंगी. आई एम जस्ट शोइंग इट राइट नाउ कि ये कैसे यूज होगा, बट उससे पहले सेकेंड प्रोडक्ट भी दिखा दू, फिर उसके बाद इकट्ठे करके दिखाऊंगी. ओके, सो दिस इज द सेकेंड प्रोडक्ट अगेन बाय ग्लैमर्स. दिस इज डेली रेडियंस फेशियल ऑयल, बेसिकली फॉर स्किन एंड जो भी आपका नेक वाला एरिया है उसके लिए. बिकॉज सी यू ऑल नो दैट कि हमारी कॉम्बिनेशन स्किन है या ड्राई स्किन है या व्हाटएवर योर ऑयली स्किन, उस पर क्या चीज डिपेंड करती है वो आप लोगों को खुद को पता होता है. बट अकॉर्डिंग टू मी मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है जो कि हेल्पफुल रहेगा. ये चीज जो मेरी स्किन पे काफी हेल्पफुल रहेगी. क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द वेदर ये चेंज होता है एंड मेरे हिसाब से ये स्किन के लिए काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल है. तो सर्दियों में एज यू ऑल नो मैं अपने फेस पे नारियल का तेल, वैसलीन एंड ऑल सच प्रोडक्ट्स भी यूज करके देख चुकी हूँ, बट ड्राइनेस नहीं ओवर होती है. ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके स्किन के लिए काफी ज्यादा हेल्दी है. लाइक फर्स्ट माई मोस्ट फेवरेट दैट इज सैफ्रॉन. सैफ्रॉन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हर एक अगर स्किन प्रोडक्ट में हो तो दैट मस्ट बी अमेजिंग. ओके, एंड ये 30 ml की लाइक छोटी सी बॉटल है. इट्स लाइक वेरी कूल कलर, राइट? येलो. मतलब मोस्टली जो स्किन ऑयल्स होते हैं या फिर सीरम्स होते हैं उनकी कलर पिंक या वाइट या नॉर्मल कलर में होता है. एंड दिस मस्ट बी अ काइंड ऑफ अ थिंग कि अच्छा लग रहा है मुझे कलर इसका ना. एंड एक चीज और बता दूं, किसी भी चीज को करने से पहले डू अप्लाई इट ऑन योर स्किन बिफोर अप्लाइंग इट ऑन योर फेस. मतलब हैंड पे एक बार रब करके देख लीजिए ताकि स्किन पे आपका कोई इफेक्ट ना हो. एंड इसको लगाने के बाद जस्ट वेट फॉर 30 minutes. इसको लगाने के बाद यू जस्ट नीड टू वॉश योर फेस अ वाइल. उसके बाद ऑलमोस्ट आपका स्किन का जो रेडियंस आपको विद इन 1 week का दिखेगा. एंड आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है. क्यों? बिकॉज इसका बहुत बड़ा रीजन है. मैंने मोस्टली वीडियोज में आपको नॉर्मली ये बताया कि इसके क्या इफेक्ट्स है, इसके कैसे यूज करना है या इसके बाद आपको क्या क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस रहेगी, राइट? बट इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर 7 days का ट्रीटमेंट दिखाऊंगी जो कि मेरी स्किन पे इफेक्ट किया एंड होप आपकी स्किन पे भी इफेक्ट करे. सो अगेन कह रही हूँ, डोंट मिस द वीडियो, वेट फॉर अ व्हाइल. ओके, सो आज ही आप लोगों के सामने इसका मुहूर्त कर दिया जाए, राइट? सो बहुत प्यारा कलर है, मेरा मन कर रहा है इस कलर को खा जाऊं मैं. सी दैट मस्ट बी अ कलर, काफी लिक्विड है शायद. नाइस फ्रेग्रेंस. इसको ऐसे ड्रॉपिंग में आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है. मैं 2-2 halves में अप्लाई करती हूँ इसको स्किन पे. बट रिमेम्बर दैट जब आप इसको स्किन पे अप्लाई करें आपके फेस पे ना ही कोई मेकअप होना चाहिए एंड ना ही कोई आपने प्रोडक्ट यूज करना होना चाहिए, तभी इसका आपको नेचुरल इफेक्ट दिखेगा. तभी मैंने ये चीज सोची कि मैं इसका 7 day का रूटीन वीडियो बनाकर आपको शो करूंगी. सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक. दिस इज द 5th day. होप आप सभी मुझे मिस किया ही होगा. ओके, सो पहले रिजल्ट दिखा देती हूँ फिर यूज करके दिखाऊंगी. खुद देखिए रिजल्ट इसके.
काफी रेडियंस आ चुका है स्किन के अंदर, काफी ज्यादा मॉइस्चराइज लग रही है मेरी स्किन। आफ्टर ऑल 5 दिन के बाद अभी जिस मॉर्निंग में सोकर ही उठी हूँ, तो सोचा अभी इस वक्त ग्लो ग्लो वाला शूट कर लेता है ताकि प्रॉपर रिजल्ट आ सके। बिकॉज मेकअप होता है ना रात भर का उतरा हुआ मेकअप, फिर डायरेक्ट दुकान में सामने लाइक दैट। सेकेंड सेकेंड पार्ट्स में डिवाइड करेंगे फेस को। एंड इफ यू हैव अ टिश्यू, होप आप इसको टिश्यू से, या तो मेरे लिए मेरे बेस्ट रहता है हैंड्स, बट आप टिश्यू एंड कॉटन से भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन यू हैव दैट ब्यूटी ब्लेंडर, आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो जो मैं इनके प्रोडक्ट्स आपको दिखा रही हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। तो आफ्टर 7 डे काइंड ऑफ अ प्रोसेस आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, तो उस हिसाब से आप मंगा लेना, ठीक है। प्रॉपर तरीके से इसको स्मज करना है। डोंट फॉरगेट, मैंने आपको पहले भी बात बोली थी, इसको अप्लाई करने से पहले आपके फेस पे एक भी प्रोडक्ट या एक भी मेकअप लुक नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम शूटिंग इन द मॉर्निंग, कि ताकि आप लोगों को इसका रिजल्ट अच्छे से नजर आ सके। सो डू रिमाइंड दैट, ओके। एंड काफ़ी अच्छे तरीके से ये स्किन में ऑब्जर्व होता है। एंड मतलब इसको आप अगर बाहर भी लगा कर चले जाए ना, तो ऐसा नहीं लगेगा कि दैट यू आर अप्लाइड समथिंग और आपने कुछ या फिर अप्लाई करा है। बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रहता है। सी, अब हम सीधा मिलेंगे 10 दिनों के बाद। बाय बाय। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। होप आप सबने डेली रूटीन वाली वीडियो मिस नहीं करी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियोस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यू नो दैट, शेयर द वीडियोस। सो आई एम बैक विद द 10th डे एंड रिजल्ट दिखा दूं पहले ही। हालांकि शाम हो चुकी है, पहली वीडियो इससे पहले वाला जो डे रूटीन था वो मॉर्निंग का था, बट शाम हो चुकी है तो थोड़ा सा डलनेस है फेस पे, बट मैंने वॉश कर चुकी हूँ फेस को, क्लीन कर चुकी हूँ। अब फाइनल, अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। सो गाइस, 10th डे इज गोइंग ऑन। जैसे पहले भी बताया था, फेस को हाफ डिवाइड करके यू हैव टू अप्लाई दिस। प्रॉपरली अप्लाई करना ताकि फेस ऑड भी ना लगे आपका। अगर आप बाहर भी इसको लगा कर जाना चाहे तो आप जा सकते हैं गाइस। काफी अच्छी फ्रेग्रेंस है, इट फील्स लाइक ईटिंग काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। इसकी फ्रेग्रेंस के अंदर ना काफी ज्यादा ऑयल्स मिक्स्ड है, जिससे ना इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अलग सी बन के आ रही है। सो आई लाइक दैट, काफी स्वीट फ्रेग्रेंस है। सी, अब मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अगेन मैं बता रही हूँ, आप ब्यूटी ब्लेंडर अप्लाई करना चाहे आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आपके हैंड्स वर्क द बेस्ट। सो दिस इज द सेकेंड, दिस इज 10th डे एंड वी बैक 15 डे, दैट इज द लास्ट डे। एंड उस डे पे आपको दिख जाएगा कि क्या क्या रिजल्ट है। एंड एक हॉल है जो बॉडी स्लश है, वो मैं आपको पिम्पल्स पे अप्लाई करके दिखाऊंगी, ठीक है। उसका भी रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक, दिस इज द 15th डे एंड अगेन इवनिंग में शूट कर रही हूँ अनफॉर्चुनेटली। सो थक गई हूँ बहुत ज्यादा। अब आपको लास्ट डे दिखा दूँ एंड उसके रिजल्ट्स पे दिखा दूँ कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं। अब ये विदाउट, देखिए नेचुरल स्किन है, नथिंग, नो मेकअप, कुछ भी नहीं अप्लाई कर रखा, नो प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब दिखाऊंगी द 15th डे फेशियल ऑयल। ओके, सो दोबारा बता दूं, ये ग्लैमर्स का प्रोडक्ट है एंड दिस इज ड्रीम स्किन डेली रेडियंस फेशियल ऑयल। इवन आपके जो फेशियल हेयर्स है उनके ऊपर भी ये काम करता है। तो बहुत सारा चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी इस वीडियो में मेंशन नहीं किया है, हालांकि वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिखने वाली हूँ एंड इनका लिंक भी डालूंगी, इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है, मैंने प्रॉपरली चेक कर लिया है।
कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि आपके फेस पे इफेक्ट करे. सो विदाउट एनी काइंड ऑफ टेंशन और लाइक होता ना कि क्वेश्चन मार्क इसके बाद क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज नाइस थिंग एंड इसको मेरे को अप्लाई करते हुए खुद से भी 2 दिन हो चुके हैं. यार पहले भी मैंने इसको यूज़ किया है ना एंड इट्स लाइक 15 डेज ऑलरेडी डन हो चुके हैं एंड इसका रिजल्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. तो मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा. 10/10 ऑन द पैकेजिंग, 10/10 ऑन दिस कलर एंड 10/10 इस प्रोडक्ट के लिए. काफी स्मूथ टेक्सचर है इसका, लिक्विड काफी है. इसको जब भी अप्लाई करोगे ना कम ही लेना वरना फिर ये उड़ता उड़ता नीचे गिर जाएगा. तो कम ही लेना. ओके पहले एक बार स्मज कर लूं फिर ओके बोलूंगी. ठीक है इसको लगाने के बाद ना चेहरे में अलग सी शांति मिलती है. सो दिस इज माई स्किन टेक्सचर राइट नाउ एज यू ऑल कैन सी. बस सिर्फ पिंपल्स है, बाकी तो मैं बहुत सुंदर आई नो दैट. थैंक यू. ओके सो अब बॉडी स्लश की बारी है. बॉडी स्लश को कैसे यूज करना वो मैं आपको दिखा देती हूँ. सो जस्ट टेक अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ दिस इन योर हैंड. दिस इज बेसिकली अ मास्क. Need to apply this as a mask. बहुत अच्छा टेक्सचर है इसका, काफी लाइट अमाउंट में है तो एज यू कैन सी ये नीचे नहीं गिर रहा है. काफी अच्छा टेक्सचर है इसका एंड जस्ट अप्लाई दिस. सो एज यू कैन सी आई एम डन विद इट. इसका आपको थिक लेयर लगाना है या थिन लेयर लगाना है ये प्रॉपरली आपके ऊपर है. ठीक है इसके बाद यू जस्ट नीड टू रिमूव दैट मास्क. ठीक है ये आपके ऊपर अगर आपको दर्द हो या फिर निकालने में थोड़ा सा परेशानी हो तो आप नॉर्मल वाटर के साथ भी इसको रिमूव कर सकते हैं. एंड दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप ऑफ इट. एंड इसके बाद एक मॉइस्चराइजर अप्लाई करना मत भूलना, प्रॉपरली एक क्रीम अप्लाई करना अपने फेस को प्रॉपरली एक टेक्सचर देने के लिए. ओके गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियोज एंड most important thing share the videos. And if you have any kind of query or you want to comment on this video you can directly go into the comment section box and comment your favorite comments or like if you want to give any query if you want to give any kind of information regarding it you can go for it. Thank you so much. Bye bye. Take care.